सलमान खान को धमकी भरा लेटर मामले को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच और पुलिस तेजी से जांच में जुटी हुई है। हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास राजदार सिद्धेश हीरामल कामले उर्फ सौरभ महाकाल को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि अब सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के साथ साथ सलमान खान को धमकी मामले में भी एक एक राज खुलकर बाहर आएगा। महाकाल से पूछताछ के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पुणे पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है और महाकाल बिश्नोई का खास आदमी। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो एक्टर सलमान खान को जोधपुर में जान से मारने की धमकी देता नजर आया। इस वीडियो के कुछ दिन बाद सलमान खान के पिता सलीम खान को एक धमकी भरा लेटर मिला था। इसमें साफ लिखा हुआ था कि सलीम खान और सलमान खान का सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल कर दिया जाएगा। ऐसे में मुंबई क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस सारे तार जोड़कर केस की जांच कर रही है। सलमान को मिले धमकी भरे लेटर मामले में सौरभ महाकाल से पूछताछ के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम पुणे पहुंच चुकी है। पुणे पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला मामले में फरार चल रहे सौरभ महाकाल को बुधवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सलमान के पिता सलीम खान को जो धमकी भरा लेटर मिला था, क्या उसका सौरभ महाकाल से कुछ लेना देना है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक जब महाराष्ट्र पुलिस ने सौरभ महाकाल को गिरफ्तार करने के बाद उससे सवाल जवाब किया, तो उसने सलमान खान का जिक्र किया और साथ ही एक्टर को मिले धमकी भरे लेटर के बारे में भी बताया। लेटर के बारे में महाकाल ने पुलिस को क्या बताया, यह भी सामने नहीं आया है।